हे गाइस, तो आम आसिक पहुँची जाइ उज्जलेश्वर टेम्पल रे, जोटा दिगपहंडी रोच दिगपहंडी पखापाखि 20 किलोमीटर डिस्टेंस रोच एंड ब्रह्मपुर टाउन रु पखापाखि 50 किलोमीटर डिस्टेंस रोच। गंजाम रो मुख्य शिवपीठ उज्जलेश्वर टेम्पल आपण देखिपे केते गहली लागि रही, कहीं उज्जलेश्वर टेम्पल कहिबाकु गले गंजाम रो बहुत फेमस टेम्पल। एंड एबे पिकनिक सीजन चली एंड आज सोमवार एंड सोमवार तो आप जानते शिवंक पाखे गहली लग रक्त मानर से बहुत दूर आमको कार पार्किंग करके आसपाई पड़ा, तो चली चली जी पड़ो। चलत आगे जी दी सैड्रे देखिपे पहाड़ पर्वत एंड मंदिर भी रोच पहाड़ उपर जस्ट हिल टप्रे रोच मंदिर गोटे गुंफार शिवंकर लिंग पूजा पाँच एंड गुंफार शिव लिंग बाहरी जहाँ कह जाए। चलत आगे जी यहाँ देखिपे पार्किंग एंड ये आपको गोटे 5 टंकार रसीद नवापी पड़ो टिकेट करके आप एंट्री करेंगे। बहुत सारा दुकान साइड रे लगी रही मेला टाइप रो कहीं विंटर सीजन से बहुत सारा दुकान दी साइड रे अच्छे ना नॉर्मल टाइम रे ये दुकान न था। चलतु आगे जी जिते आप उज्जलेश्वर पाखे रोच गोटे घोड़ाघड़ा डैम से आप बुलाबूली करके जापर एबे बहुत सारा श्रद्धालु उज्जलेश्वर टेम्पल को शिवंक दर्शन करने फैमिली सह गोटे टाइम स्पेंड करने पिकनिक करने ये आप पिकनिक करने भोजी कर भी सुविधा अच्छी, तो ये आप एंट्री करेंगे। एठी मेन फेस्टिवल है महाशिवरात्रि संक्रांति आ कार्तिक मास रो सबु मंडे एठी भिड़ रहे, तो देखिपे बहुत सुंदर गच्छ चारिपटे लोक मैंने भोजी को गोटे छोट फैमिली गेट टुगेदर लोक मैंने कर बहुत बढ़िया लोकेशन देखिपे एपट साइड रे भी लोक मैंने भोजी कर साइड रे बहुत बड़ बड़ गच्छ भी अच्छी मैंने छाई रे लोक मैंने आश्रय नौ बसिक भोजी भी कर बहुत सुंदर गच्छ एंड साइड रे रोच राइट साइड रे गोटे पोखरी रोच बहुत बड़ पोखरीटे ये कुंभीर मैंने अच्छा से नोटिस भी लगी कुंभीर प्रति सावधान। ये पखापाखि 6-7 कुंभीर अच्छा आप देखिपे से जो गोटे बाउंड्री लाइन होती गोटे तार जाली अच्छी एपटे लोक मैंने जहाँ धुआ धुई गाधुआ पाधुआ करपटे 6-7 कुंभीर अच्छा साइड्रे जो डैम रोच घोड़ाघड़ डैम से डैम्रु कुंभीर मैंने पलि आसती कहीं से डैम्रे पाखापाखि 100 कुंभीर अच्छा। चलत एंट्री करवा मंदिर मंदिर एंट्री करू करू आप देखिपे नंदीजी मूर्ति ये बसिंट नंदीजी एंड साइड्रे ढाई हनुमान जी। चलतु आगे जावा श्री श्री उज्जलेश्वर महाप्रभु नम। जेहेतु मंदिर पहाड़ ऊपर अच्छे तो आपन को किसी स्टेयर चढ़ की ऊपर को जीवा पई पड़िबो। चलो तो ऊपर को जीवा साइड रे देखि पड़थु गोटे छोटो मंदिर रहिछे एपटे भी गोटे छोटो मंदिर रहिछे हनुमान को मंदिर अच्छे वीडियो वीडियो कल कि कह तो अन्नप्रसाद भी आप चाहिए अन्नप्रसाद भी खाई खाईपर।
एंड एठी लोक माने मनस्कामना पूर्ण होबा पई बांधी चंदी सब धागा ए गछरे बहुत पुराना गछ सब पूरा मंदिर को कवर करके रोचे छाई दौचे मंदिर को तो किसी स्टेज चलला फल जेहेतु गहली से पुलिस वाला माने भी आस स्टेयर चढ़ला आम आसिक मंदिर बेढ़ा पखापाखि पहुँचल तो बर्तमान आसिक मंदिर बेढ़ आम पहुँची गलु मंदिर सेवा तो मैंने चार हिल टॉप रे गुंफा भितर शिवंकर स्टैचू तो एत गहली से लाइन रे दर्शन करा जाऊ धाड़ी आपको जीवाई पड़ो तो ठीक अच्छे चलतु धाड़ी जावा कहीं आज किसी ऑप्शन नहीं आम पाखे जेहेतु एत दूर आसीचु ये साइड रे आप दीप लगे पारे कहीं दीप मंदिर भितर को अलाउड नहीं नियरेस्ट जो डैम रोचे घोड़ाघड़ डैम से तो पखापाखि 100+ कुंभीर अच्छा एंड अजगर साप कुंभीर ये बहुत सारा देखा मिले ये पहाड़ साप अजगर साप इन रोचे तो मंदिर देखिपे बहुत सुंदर एवं मंदिर कलरफुल बट आगु मंदिर प्लेन ह्वैट कलर रही 5 years पूर्व कम्प्लीटली ह्वैट कलर टेम्पल थी सैड्रे गोटे रास्ता रोच उपरको जावाई पखापाखि 30 minutes ढड़ा ही सारूँ देखिपे से पोखरी जो पोखर एबी छतटा कुंभीर अच्छा साइड रे देखि पड़े तो टाइम टी लगे जीवाई भितर को कहीं बहुत गहली पुलिस वाला मैंने फेज बाय फेज छाड़ मंदिर रो बैक साइड रे रोचे घोड़ागड़ नदी उज्जलेश्वर टेम्पल एबे ओडिशा टूरिज्म अधीन रे आसुचे सेतिपई टेम्पल धीरे धीरे डेवलप होउचे कुहा जाए कि पहाड़ भितर शिवजी को लिंग बाहरी आबू ये शिवजी को शिवजी पूजा पाउंट एंड एटी आप अन्न प्रसाद भी खाईपर चलत आगे जीवा दर्शन पर मंदिर पखापाखि 400-500 वर्ष पुराण गोटे सिद्ध पीठ कह चले लोक ये जहाँ मागंती मनस्कामना भी पूर्ण हुए तो ये आप एंट्री कला बेल से टिकेट देखिए टिकेट देखिए आपे जो टिकेट न करेंगे पांच टाँह दे टिकेट देदे आप मंदिर भितर जी तो जेहेतु बहुत क्राउड अच्छी एंड पुलिस भितर अच्छा से मैंने मंदिर भितर को कैमेरा अलाउ करे मुझे शुणा को पाइली तो चलत भितर को जीवा भितरे तो भितर व्यू नहीं पारे मु भगवान घर एवं आम बाहर को जाऊ से गुंफा ऊपर को
କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରେ ଏଠି ବେଶୀ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସେ ବରହମପୁର ଟାଉନରୁ। ଆଇଦର ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବେ ନହେଲେ କାର୍ ଆଣିକି ଆସିବେ, ବେଟର୍ ରହିବ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମହାକାଳ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଉପର ଗୁମ୍ଫାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେବେଠୁ ଏଠି ଶିବଜୀଙ୍କ ପୂଜା ଶିବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକେସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପାଖାପାଖି 40 ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ କଲେନି ସେମାନେ। ତ ଏବେ ବାହାରିବା, ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଫର୍ସ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ରଖିବେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଏଇ ଶିବଙ୍କ ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଯାହା ବି ଲୋକମାନେ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।